जैसे सुबह हुई तो मैंने फ़ोन पे देखा कि मैं, फिर मैंने सोचा भगवान ये नया नंबर किसका आ रखा, और मैंने सोचा कि मैं इस नंबर पे फ़ोन करके पता करती हूँ ये नंबर है किसका, मुझे पता नहीं था। फिर मैंने फ़ोन किया तो इन्होंने उठाया नहीं, दो तीन घंटी मारी मैंने पूरी पूरी लेकिन इन्होंने उठाया नहीं। उसके कुछ देर बाद खुद इन्होंने मुझे फ़ोन। तो हेलो फ्रेंड, तो सबसे पहले जो मेरे आदरणीय दर्शक हैं उनको मेरा नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनीता मनवाल और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज का मौसम देखिए बिल्कुल अच्छी धूप खिली है। आज लगभग दो तीन दिन बारिश के बाद आज बहुत अच्छी धूप खिली है, बहुत अच्छा लग रहा है मौसम ये देखिए। और ये हमारा आंगन है जिसको हम गढ़वाली में खोला बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं आंगन को। तो ये देखिए, तो आंगन पे धूप, आधी साइड धूप लग गई और आधी साइड अभी धूप नहीं हुई, अभी नहीं लगी। तो मैं यहाँ पे लकड़ियाँ सुखाने के लिए डालती हूँ क्योंकि लगातार बारिश के कारण लकड़ियाँ भी गीली हो गई थी। और हम पहाड़ी लोग गैस का कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा हम लकड़ियों में खाना बनाते हैं। और ये देखिए, इसीलिए आज मैंने चादर वादर बोरी बारी सब धूप पे डाल दिए सुखाने के लिए। और ये मिक्सर भी रखा है मैंने यहाँ सुखाने के लिए। ये देखिए, तो ये अच्छी तरह से नहीं चढ़ रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको, ये थोड़ा थोड़ा चढ़ रहा, रुक के चढ़ रहा। इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा धूप पे रख देती हूँ क्योंकि पानी गिर गया था मिक्सर पे, और मैंने सोचा कि धूप पे रखती हूँ सुखाती हूँ, उसके बाद क्या पता अच्छी तरह से चल जाए। ये मिक्सर भी रखा है सुखाने के लिए। और अभी मैं लकड़ियाँ सुखाने के लिए डालूँगी। और लकड़ियाँ भी डाल दी मैंने सुखाने के लिए। अभी यहाँ पर जो संतरे का पेड़ और आड़ू का पेड़ है उसकी छाया है यहाँ नीचे पे, ये देखिए। तो जैसे ही थोड़ा धूप लगेगी और तेज़ होगी तो छाया हट जाएगी, फिर धूप लगेगी यहाँ पे। अभी थोड़ी धूप है लेकिन थोड़ी देर बाद अच्छी धूप लग जाएगी यहाँ पर। तो बहुत गीली हो रखी है आजकल लकड़ियाँ, ये देखिए बिल्कुल अंदर से तक गीली हो रखी है लकड़ियाँ ऐसे, ये देखो, ये देखो। तो ऐसी गीली हो रखी है लकड़ियाँ क्योंकि लगातार बारिश थी यहाँ पहाड़ों में, मैंने पहले भी बताया था आपको। मेरे हस्बैंड भी आ गए मार्केट से, अपनी दुकान से आ गए ये, मैंने ब्लॉग में भी दिखा रखा है इनकी सिलाई की दुकान है। तो आ गए दुकान से खाना खाने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ आज मैंने खाने में बनाया है अपने हस्बैंड के लिए, कड़ी हो गया और चावल और हरी सब्जी जिसको हम गढ़वाली में झोली भात बोलते हैं, और हरी भुजी। तो ये बना रखी, अभी मैं इनको खाना देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। और ये कड़ी बना रखी है और ये चावल, अब मैं सब्जी रखूँगी इस पर हरी सब्जी। और ये सब्जी रख दी तो सच बता रही हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कड़ी चावल और हरी सब्जी, हरी सब्जी के साथ ज़्यादा बेटर लगता है खाने में कड़ी और चावल, ये देखिए। तो हम पहाड़ी कटोरे पर नहीं खाते सब्जी, ज़्यादा बेटर हमें चावल पे सब्जी रख के और ये ऐसे थाली सजा के अच्छा लगता है हमें खाना खाना। और ये पहाड़ी लंच थाली, ये देखिए। तो दोपहर का खाना हम पहाड़ी लोग इस तरह से खाते हैं कुछ। ये रख दिया है मैंने खाना खाने के लिए। और ये देखिए, ये देखिए लाल मिर्च और हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनके दिमाग में ये तो ज़रूर चलता होगा कि मैं कौन हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने बारे में बता रही हूँ आपको। तो मेरा नाम सुनीता मनवाल है। तो मैंने अपने बारे में बहुत, मतलब जो अपने ब्लॉग में अपना नाम बहुत बार बता चुकी हूँ, तो अब मेरा नाम तो जानते ही होंगे। और मेरे हस्बैंड का नाम नरेश मनवाल है, मेरा ससुराल मनसूना है, मैं मनसूना रहती हूँ, मायके का नाम बसुकेदार है। और मैं आपको अपने बारे में बता रही। और फ्रेंड्स, 2013 में मेरी शादी हो गई थी, मेरी लव मैरिज हो रखी है। तो मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि मेरी लव मैरिज कैसे हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो 2013 की बात है जब मेरी शादी हुई, तो लगभग 2012 में, उस टाइम में 12th में रहती थी और मेरे हस्बैंड भी 12th में रहते थे।
तो फिर इनका रोंग नंबर लगा था मेरे फ़ोन पे। तो उस टाइम कीपैड वाले फ़ोन चलते थे, ऐसे स्मार्टफोन स्क्रीन टच वाले फ़ोन नहीं चलते थे। तो उस टाइम की बात है, तो मेरे हस्बैंड का रोंग नंबर लगा था। लगभग ये तो लेट से सोते थे रात को, लेकिन हम जल्दी सो जाते थे खाना खाकर, और हम मैं सो गई थी उस टाइम तक। इनका फ़ोन आया, मैंने फ़ोन साइलेंट करके मैं सो गई थी। फिर जैसे सुबह हुई तो मैंने फ़ोन पे देखा कि मैं, फिर मैंने सोचा भगवान ये नया नंबर किसका आ रखा, और मैंने सोचा कि मैं इस नंबर पे फ़ोन करके पता करती हूँ ये नंबर है किसका, मुझे पता नहीं था। फिर मैंने फ़ोन किया तो इन्होंने उठाया नहीं। दो तीन घंटी मारी मैंने पूरी पूरी, लेकिन इन्होंने उठाया नहीं। उसके कुछ देर बाद खुद इन्होंने मुझे फ़ोन किया, और फिर फ़ोन किया तो मैंने पूछा हेलो, मैंने कहा कौन, इन्होंने बोला कि मैं उकी मठ से हूँ। इन्होंने प्रॉपर अपने गांव का नाम नहीं बोला था, और मुझे पूछा, मैंने प्रॉपर बोला हाँ मैं वो सुकेदार की हूँ ऐसा वैसा। फिर पूछने लगे कि आप कितने में पढ़ती हो, मैंने कहा मैं 12th में पढ़ती हूँ। फिर मैंने भी इनको पूछा आप कितने में पढ़ते हो, इन्होंने बोला 12th में। फिर सब्जेक्ट और ऐसे ये सब पूछने लगे, तो अच्छी खासी बात हुई, मतलब बात ठीक ठाक हुई। फिर बात ठीक ठाक हुई तो पहले दिन इन्होंने कुछ नहीं बोला, और दूसरे दिन फिर इन्होंने फ़ोन किया और फ्रेंडशिप के लिए बोला। मैं भी तैयार हो गई फ्रेंडशिप के लिए, क्योंकि लड़कियां होती अक्सर ऐसी है, लड़का फ्रेंडशिप के लिए बोलता है तो लड़कियां खुश हो जाती हैं, फ्रेंडशिप कोई बात नहीं। लेकिन और फिर फ्रेंडशिप के लिए बोला, उसके बाद इन्होंने मुझे प्रपोज किया था, और फिर मतलब ठीक ठाक लगा था मुझे भी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, और एक बात बता दूँ, मेरे हस्बैंड और मेरे में सिर्फ 1 साल का गैप है, तो ये मेरे से सिर्फ 1 साल बड़े हैं। और उसके बाद सब सही देखा मैंने भी, फिर मैंने भी हाँ कर दी थी इनके लिए। और हम दोनों ने, सच बता रही हूँ, सिर्फ फ़ोन ही पे बात करते थे, एक दूसरे की शक्ल बिल्कुल नहीं देखी थी, ना मैं इनको जानती थी ना ये मुझे जानते थे, लेकिन फ़ोन ही पे बात करते करते इतने इम्प्रेस हो गए थे कि लगभग फ़ोन ही पे बात करते करते ये सोच लिया था हमने कि मैं सच बता रही हूँ थी, मैंने भी ये सोच लिया था। मैंने सोचा कि जैसे हैं दिखने में जो भी है, जैसे फैमिली कैसी है, ये कुछ नहीं सोचा मैंने, बस मैंने सोचा कि जिससे मैं बात कर रही हूँ जैसा भी है, मैं शादी करूँगी तो इसी से करूँगी, पता नहीं ये फीलिंग क्यों आ जाती है दिमाग, मतलब इतनी इम्प्रेस हो गई थी। और लगभग ये भी इनकी भी हालत ही मुझे लगता है जहाँ तक ऐसी थी। बताओ ना कैसी थी आपकी हालत, हाँ कैसी थी? ऐसी थी। और तो लगभग इनकी हालत भी ऐसी थी, इन्होंने भी यही सोचा कि लड़की जैसी भी हो जो भी हो, लेकिन मैं शादी करूँगा इसी से करूँगा। फिर उसके बाद हम दोनों में काफ़ी बातचीत हुई, लगभग 1 महीने तक हम दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की। फिर ये शादी में आए थे, और खुंड गांव है हमारे डालसिंगी के, जो हमारा गांव है डालसिंगी बसुकेदार, उसके बगल के गांव में ये शादी में आए थे। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैं वहां शादी में आ रहा हूं, और इन्होंने बोला मैंने तुम्हारा घर नहीं देख रखा, क्योंकि मैं इनको अपने माँ पापा से मिलाना चाहती थी। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा, इसीलिए इन्होंने मुझे बोला कि मुझे लेने आ जा। तो मैं इनको लेने गई थी अपने घर से, काफ़ी दूर लेने जा रखी थी। तो इनके साथ है इनकी दो बहनें थी, उनमें से एक बहन का नाम भी सुनीता था, वो मेरी क्लासमेट थी, और इनके साथ इनके गांव का लड़का भी था। तो सच बता रही हूँ, मैंने सिर्फ इनकी आवाज़ सुनी थी, एक दूसरे को हमने देखा तक नहीं था। और फिर जब मैं इनको लेने गई तो मैंने फ़ोन ही पे बोला इनको कि मैंने बोला कि आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं ऐसा वैसा, ऐसे बोला, मैंने सोचा कि मैं देखते ही पहचान जाऊं। तो ये इतने चालाक निकले कि जो इनके साथ में जो लड़का था, इन्होंने उसके कॉस्ट्यूम बताए अपने नहीं, जो उसने पहन रखा था इन्होंने वो बताए अपने नहीं। फिर जब मैं वहाँ गई तो इन्होंने जो कॉस्ट्यूम बता रखे थे, मैंने उसी पे ध्यान तो देना था, हाँ ये है वो लड़का जिसे मैं बात करती हूँ। तो मैं वहाँ पर गई, मैंने उसी पे ध्यान दिया, इन पे नहीं दिया। फिर मैंने अपने मन में सोचा भगवान, मैंने कहा अच्छा यही होगा ऐसा वैसा, मैं चुप रही, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। तब तक पीछे से जले हुए पे नमक छिड़क रही कौन, सुनीता, जो इनकी बेस्ट सिस्टर लगती है। तो वो मुझे बोली हाँ सुनीता, मुझे पता नहीं था तू चेहरे पे मरती है वगैरह वगैरह, चुप क्यों हो गई, तुझे पसंद नहीं है क्या ऐसा वैसा, बहुत बोल रही थी वो। फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला, मैं घर के रास्ते निकलने लगी थी, मैंने ना इनसे बात की ना उससे, बस मन ही मन में ये सोच रही थी। शायद मैंने सोचा कि जिस लड़के से मैं बात करती हूँ, फिर मैंने इनकी आवाज़ सुनी ये बात कर, फिर मैंने बोला भगवान ये लड़का तो वो है, वो दूसरे को क्यों बता रहा।
जब मैंने इनकी आवाज़ पहचानी, आवाज़ तो सुन रखी थी मैंने फ़ोन पे, फिर मैंने बोला ये झूठ क्यों बोल रहे कि वो है वो लड़का, मैं नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा क्या पता इनको मैं पसंद नहीं आई, इसीलिए इन्होंने दूसरे लड़के को बताया कि वो है। फिर जैसे ही मैं घर के रास्ते आने लग गई थी, मैंने यही सोचा शायद पसंद नहीं आई मैं, फिर जैसे ही मैं घर के रास्ते आने लग गई थी वैसे ही मेरे हस्बैंड ने मुझे रोका और बोला कि मैं भी आऊँ साथ में। फिर मुझे हंसी आई, मैं समझ गई थी। फिर दोनों हम चल दिए घर की ओर, उसके बाद घर पहुँचे और घर आकर मेरी मम्मी पापा ने भी देखा, वो भी खुश हुए, अच्छे मतलब पसंद किया, उन्होंने भी बोला लड़का ठीक है। तो इनसे बात की, उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने बोला कि अपने पापा को भेजना। उसके बाद मेरे ससुर आए थे देखने के लिए 2-4 दिन बाद, और उसके बाद हमारी सगाई की डेट कंफर्म हुई और हमारी सगाई हुई, उसके बाद शादी हुई। आज देखो आप बच्चे हो गए, 9 साल का मेरा लड़का है और 6 साल की लड़की है। तो ऐसी थी हमारी लव मैरिज की इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये सोचो ये भी होता है कि मतलब बिना देखे ही बात करते थे ओनली फ़ोन पे, तो हमने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देख रखी थी, सच बता रही हूँ। और एक दूसरे को मान लिया था कि एक दूसरे को ये सोच लिया था हमने शादी करेंगे तो एक दूसरे से, बस ना कि एक दूसरे को, जबकि हमने देख तक नहीं रखा था। तो ऐसा भी होता है लाइफ में, रॉन्ग नंबर रियल नंबर कब हो जाता है ये पता नहीं चलता, तो होता है। आई होप आपको हमारी लव मैरिज की स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी लव मैरिज की स्टोरी पसंद आएगी आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो शेयर ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये मेरी रियल लाइफ की स्टोरी थी, ये फेक स्टोरी नहीं है, सच में हमारे साथ ऐसी घटना हुई। हम दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ इनका रॉन्ग नंबर लगा और रॉन्ग नंबर से ही हमारी शादी हुई और आज हमारे बच्चे भी हो रखे हैं।